अजहर भाई, मामलात तो बड़ी कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं। एक नई पार्टी आज मंजर आम पर आ गई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम है। चेहरे वही हैं जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। वो 2017-18 में किसी और तरफ आए थे, फिर अब किसी और तरफ जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। वो तो इलेक्शन से ही आ सकती है। इलेक्शन हो कि नहीं दे रहे, कानून क्या कहता है और हो क्या रहा है? अच्छा देखिए जमील फारूकी साहब, जो बात समझ रही है, दो तीन चीजें जो बड़ी अहम है सर। इस वक्त जो है ना, मुल्क जिस टर्माइल में चल रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, उन्होंने ये 1.5 साल में आपने देख लिया कि इन्होंने बेहतर करने की बजाय जो है ना, मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए। बड़ी बातें इन्होंने की गई इमरान खान ने, हालांकि इमरान खान के दौर में कोरोना वाले मामला में अगर देखे, जितने जबरदस्त तरीके से इकोनॉमी को हैंडल किया, फिर अगर IMF या बाकी लोगों से पैकेज अगर आना था, वो वाली बातें भी अगर आप उठाकर देखे, वो भी आप लोगों ने देख ली। बातें ये बड़ी करते हैं, मैंने तो बड़ी दफा डिमांड की है, कर ले आज जुडिशियल कमीशन एक बना रहे हैं आप बनाए बताए। यानी वो क्या रह गया, अब रह गया बगावत के पर्चे, अब रह गया दहशतगर्दी के पर्चे, अब और कुछ नहीं रह गया। तो अब अल्टीमेटली जो है एक और नई सिमत में ये चाल निकले हैं। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी आवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अर्शद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।